हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम जानेंगे कि अक्टूबर नवंबर मंथ के अंदर कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और डिविडेंड दे रहे हैं और किस कंपनी के बायबैक है। तो आप भी इजीली देख सकते हैं एनएसई की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। तो एक एक करके हम जानेंगे ताकि आपको भी आइडिया आ सके किस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है और इन रिजल्ट्स के माहौल में जो निफ्टी सेंसेक्स है ये संभल सकता है, तो इनके ऊपर भी आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं अच्छे रिजल्ट्स आने पर बाउंस भी कर जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखिए ताकि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में भी आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिल जाए ताकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो इसका अगर आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड का बोर्ड की मीटिंग है 8 अक्टूबर को फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। उसके बाद टाटा एल्क्सी लिमिटेड की फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं 8 अक्टूबर को। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 8 अक्टूबर को फंड रेजिंग है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड अगर देखेंगे तो 8 अक्टूबर को बायबैक रिलेटेड मीटिंग है। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज अदर बिजनेस मैटर्स को लेकर, और उसके बाद आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है 9 अक्टूबर को। इसके बाद अगर आप देखेंगे एनएलसी का भी बायबैक के लिए बोर्ड मीटिंग है 9 अक्टूबर को, तो इसके ऊपर भी नज़र रखिए। एनएलसी अगर देखेंगे तो फ्राइडे को अच्छा मूव हुआ था उसके अंदर। इन्फोमीडिया प्रेस लिमिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, तो बंधन बैंक के भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, काफ़ी लोगों ने ले रखे हैं बंधन बैंक, तो इस पर नज़र रखेगा। इसको इस स्टॉक के अंदर भी अच्छी रैली देख सकते हैं अगर अच्छे एनपीए आ जाते हैं, अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं। जी एंटरटेनमेंट के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, वेदांता डिविडेंड दे रहा है, उस बोर्ड मीटिंग डेट 10 अक्टूबर है। इंडिया बुल्स वेंचर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, टीसीएस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और डिविडेंड हैं, जीएम बेवरेजेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, टाटा स्पॉन्ज, कर्नाटका बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड डिविडेंड बोथ है, क्यूपिड लिमिटेड बोनस शेयर्स इशू हैं 13 अक्टूबर को। तो आपको ये सारी डेट ध्यान में रखने की ज़रूरत है। TCS का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने, लोअर लेवल्स पे आप लीजिएगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एवेन्यू सुपरमार्केट्स के रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स 13 अक्टूबर को, इसके ऊपर भी नज़र रखेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये भी काफ़ी अच्छा बेहतर स्टॉक है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, जी लर्न का है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 15 अक्टूबर को, इंडसइंड बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स है 15 अक्टूबर को, डेल्टा कॉप के रिजल्ट है 15 अक्टूबर को, फेडरल बैंक, महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव इनके रिजल्ट्स है 16 अक्टूबर को, इंफोसिस के रिजल्ट्स और डिविडेंड हैं 16 अक्टूबर 2018 को, हीरो मोटर कॉप के रिजल्ट है, मीन्स यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं तो सेंसेक्स निफ्टी जो है थोड़ा संभल सकता है और फिर से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो इनके ऊपर अगर आपने देखा होगा तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जो दौर था लास्ट टाइम, उसके अंदर काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिली थी, तो वो दौर फिर से आ सकता है कुछ हद तक। अच्छे स्टॉक्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आने पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स के रिजल्ट्स 22 अक्टूबर को है, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के रिजल्ट्स 21 अक्टूबर को है, HDFC बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स 20 अक्टूबर को है, SBI लाइफ इंश्योरेंस के 19 अक्टूबर को है, अल्ट्राटेक सीमेंट मीन सारे बड़ी बड़ी लार्ज कैप की कंपनीज हैं, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड के 17 अक्टूबर को है, एम्फेसिस लिमिटेड के 17 अक्टूबर को है, ग्लैक्सो स्मिथ फार्मा के 22 अक्टूबर को है, कंसाई नेरोलिक पेंट्स के 22 अक्टूबर को है। तो इसी तरह आप इजीली देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनके भी रिजल्ट्स हैं 23 अक्टूबर को, मींस अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स के दौर पर ये काफ़ी अच्छा चल सकता है मार्केट। विप्रो के 24 अक्टूबर को हैं,
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के 24 अक्टूबर को है, एलएनटी इन्फोटेक लिमिटेड के 24 अक्टूबर को है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ के रिजल्ट 23 अक्टूबर को है, आईडीएफसी बैंक का रिजल्ट 24 को है, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के 24 अक्टूबर को है, एक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के डिविडेंड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट 24 अक्टूबर को है, बजाज ऑटो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वीगार्ड, टाटा कॉफ़ी, रेन लिमिटेड, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज 25 अक्टूबर को है, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के भी रिजल्ट्स हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिजल्ट 26 अक्टूबर को है, डॉक्टर रेडिस के भी 26 को है, आईसीआईसी बैंक, एसटी मीडिया, अतुल ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 26 को है, टाटा पावर, मेघमनी ऑर्गेनिक्स, रेन होल्डिंग्स, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, ग्रह फाइनेंस, कोलगेट पामोलिव, चंबल फर्टिलाइजर्स 29 अक्टूबर को रिजल्ट्स हैं। चोला मंडल इन्वेस्टमेंट्स के 30 अक्टूबर को है, टोरेंट पावर, टेक महिंद्रा, नोसिल, ऑप्टो सर्किट्स, रामको, नवीन फ्लोरेंस, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, ईआईएच लिमिटेड, इनके भी 30 अक्टूबर को है, डाबर इंडिया, सावरिया कंज्यूमर, ओरिएंट पेपर, इनके 31 अक्टूबर को हैं। तो अक्टूबर का महीना पूरा रिजल्ट्स में जाने वाला है, और नवंबर का भी महीना, जीएचसीएल 31 अक्टूबर को है, बर्जर पेंट्स, एचडीएफसी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, टीसीआई, मैग्मा फिनकॉर्प, एक्सिस बैंक, इनके नवंबर में आएंगे, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, सिप्ला, वेबको इंडिया, अमराजा बैटरीज, टाइटन कंपनी, इनके 8-9 अक्टूबर को हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के दौर के अंदर मार्केट में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी मार्केट काफ़ी वीकनेस है, और 10,000 का लेवल एक छू सकता है, लेकिन वहाँ से फिर से जो है निफ्टी का लेवल बाउंस करके 10,700 के करीब इसी रेंज के अंदर ये निफ्टी चल सकता है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर पूरी नज़रें इस महीने रहने वाली हैं, तो उस दौर के अंदर जिसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में अगर लाभ लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, तो इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। एनएसई की वेबसाइट पर आप इजीली देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले देखिए, अच्छी कंपनीज हैं, रिजल्ट बेहतर आएंगे, तो उसके अंदर इजीली आपको 5-10% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बोलना था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।